आज का जो हमारा सरप्राइज है संगत जी, ये है कि हम करेंगे मिलके प्यारे गुरु महाराज जी का सत्संग। अपना पुग्गे का व्रत जो है हमारा, आज का दिन मनाएंगे खास गुरु महाराज जी के साथ। और अभी हम हमारी शिवाली आंटी जी चलाएंगी प्लेलिस्ट। जय गुरु जी। शिवाली आंटी ऑन करो। वो मुस्कान दीदी दे रही हैं। मुस्कान आंटी दे दो जल्दी से। स्पीकर ऑन करो अनु आंटी। ओके, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जयकारा मेरी माँ शेरो वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। जयकारा हम सबके प्यारे गुरु महाराज जी का बोल सांचे दरबार की जय। तो हमारा आज का जो सत्संग है शुरू हो गया है, प्लेलिस्ट चल रही है। और आज गुरु महाराज का स्वागत किया है प्यारी हमारी जो शिवाली आंटी जी हैं, इन्होंने गुरु महाराज जी का स्वागत किया है। और वंदना आंटी जी जो हैं वो प्यारे गुरु महाराज जी को लगा रहे हैं तिलक। और सारी बहनें मिलजुल कर करेंगी प्यारे गुरु महाराज जी की सेवा। तो प्यारी संगत जी, ये जो सत्संग भी कराना होता है, चाहे वो 4 बंदों में हो चाहे वो 100 बंदे में हो, तो वो भी गुरु जी की इच्छा के बिना नहीं होता। और आज प्यारे गुरु महाराज जी ने बहुत ही ब्लेस्ड दिन चुना है हमारे लिए, जो वो हमें इस काबिल हमें उन्होंने बनाया कि हम 4-5 सखियां मिलके ये जो गुरु महाराज जी का सत्संग कर रही हैं। तो शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु महाराज जी, अनंतम 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 शुक्राना। बहुत ही प्यारी गुरु भजनों की प्लेलिस्ट लगी हुई है और मंत्र मुग्ध हो जाता है इंसान, डूब जाता है, खो जाता है। और मैंने सबसे पहले, मेरी बेटी ने चला दिया है हमारा सभी का फेवरेट भजन। वैसे तो गुरु जी के सारे ही भजन बहुत ही अच्छे होते हैं संगत जी, दिल को छूने वाले शब्द होते हैं उनमें। पर मेरा जो आजकल एक पसंदीदा भजन है जो कि बड़े मंदिर में मैंने सुना था, तो वही चल रहा है। तू गरबा मैं तेरी ढोर माया, तू गरबा मैं तेरी डोर माया। तो पूरी तरह से मुझे पूरा नहीं आता, बहुत ही मधुर मधुर शब्द हैं इसके और म्यूजिक भी इतना शानदार है। जब भी मैं ये भजन सुनती हूँ तो मुझे ऐसे ही लगता है कि मैं बड़े मंदिर में दर्शन कर रही हूँ, प्यारे गुरु महाराज जी के पास हूँ। तो गुरु जी हर पल हर जगह हर शहर हर इलाके में है, बस उन्हें पुकारना हमें आना चाहिए, सच्ची मन सच्ची लगन सच्ची आस्था। और गुरु जी दे रहे हैं अपने दर्शन, कभी किसी रूप में तो कभी किसी रूप में। तो इसीलिए हम थोड़ा अट्रैक्ट हो जाते हैं जब ये दर्शन होते हैं और हमारा मुंह बंद नहीं होता, पर हम कोशिश करते हैं कि मुंह को बंद ही रखा जाए, क्योंकि ये गुरु महाराज जी के जो भजन है बिल्कुल साइलेंटली सुनना चाहिए संगत जी, और कनेक्शन बनाना चाहिए अपना प्यारे गुरु महाराज। हंसते खेलते गुनगुनाते अपने गुरु परिवार गुरु बहनों के साथ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है टाइम स्पेंड करना, और एक ऐसा टाइम जो गुरु नाम से जुड़ा हुआ हो तो वो तो मुझे क्यों नहीं लगेगा। वो तो समय मेरा बेहद प्यारा समय होता है जो गुरु महाराज जी मुझे मेरी सखियों के संग बिताने का मौका देते हैं। तो गुरु महाराज की चाय प्रसाद बना ली है, और आज जैसे कि फास्ट है संगत जी तो खाना कुछ नहीं, इसलिए मैंने चाय प्रसाद का भोग और ड्राई फ्रूट का भोग ले आई हूँ, और थोड़ा सा मैंने पुग्गा भी लाया हुआ है। और सबसे पहले मैं अपनी माता रानी को भोग प्रसाद लगाऊंगी, और उसके बाद प्यारे गुरु महाराज जी को। और गुरु महाराज जी इसमें भरेंगे लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। तो ऐसा नहीं है कि आप जरूरी वो जो पूड़ी चने समोसे ऐसी ही चीज़ें रख सकते हैं, जो अवेलेबल हो एट ए टाइम आप उसी का भोग लगा सकते हैं। तो आज जैसे मेरी जो गुरु परिवार की मेरी गुरु बहनें आई हुई हैं, तो इन्होंने आज कुछ नहीं खाना है, तो इसीलिए मैंने ड्राई फ्रूट और चाय प्रसाद का। और मेरी ये जो सखियां हैं इनके घर में जो इनकी सासू माँ जी हैं, उन्होंने इन्हें इस व्रत में चाय पिला दी है, तो इसीलिए ये चाय पी सकती हैं। और मेरा कहीं ना कहीं मन नहीं मान रहा है चाय पीने को, पर गुरु जी का ये प्रसाद है और मेरी सखियों ने कहा है, शायद गुरु जी ने सोचा होगा कि आज के दिन ये जो मेरे अंदर ये जो भेदभाव जो चलता है कि पीनी चाहिए कि नहीं, या जो कह लीजिए कि जो कि गुरु जी ने मेरे बड़े बुजुर्ग जिनको मैं मानती हूँ, अपने परिवार का बड़ा मानती हूँ, अपने पिताजी मानती हूँ, तो उन्होंने आशीर्वाद दे दिया है आज से कि तू चाय पी सकती है। क्योंकि कहा जाता है जब घर का कोई बड़ा जो होता है वो अगर वो चाय पिला दे तो आप चाय पी सकते हैं। तो प्यारे गुरु महाराज ने आज अपनी बेटी अनुराधा को चाय पिला दी है, तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बस अभी मैं चाय प्रसाद ब्लेस जो हो गया है उसे लेके अंदर जाऊंगी, और बाकी के जितना भी चाय प्रसाद है उसमें मिलाऊंगी, ताकि जितनी भी उसमें ब्लेसिंग्स है हम सभी के अंदर वो ब्लेसिंग्स आ सके, हमारे जो शरीर की नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर हो सके।
मेरा सुखी रहे परिवार गुरु जी कृपा करो, मेरा सुखी रहे परिवार गुरु जी कृपा करो, मेरा बसदा रहे करवार गुरु जी कृपा करो। तो प्यारे गुरु महाराज जी सब पे अपनी कृपा बनाए रखना, और आपके संग ये जो आज का दिन हमने स्पेंड किया है तो बहुत ही प्रेशियस टाइम है गुरु जी। ये जो आपने आज अपने मेरे बड़े होने का अपना जो मान दिखाया है, जो मुझे मेरे बड़े बनके आज मुझे ये जो चाय प्रसाद पिलाई है पुग्गे के व्रत में, जो कि इतने सालों में मैंने आज तक कभी नहीं पी, तो ये आपने शुरू कराई है, तो इसके लिए अनंतम 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 शुकराना दाता। और भूल चूक कभी मेरे से हो जाए, आपकी बच्ची हूँ, नादान हूँ, मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, तो सदैव मुझे क्षमा करना। और गुरु जी की यहाँ मुझे पूरा चेहरा दिख रहा था संगत जी जब भजन चल रहे थे, और पैरों की आकृति दिख रही थी, तो ये गुरु जी की माया है, कभी कुछ दिखाते हैं कभी कुछ दिखाते हैं। तो जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुकराना गुरु जी, यही बोलूँगी मैं। इसके अलावा मेरे पास कुछ शब्द है ही नहीं बोलने के लिए, क्योंकि शुकराना से बड़ा कोई भी शब्द नहीं है। और मेरी माता रानी भी बेहद खुश हैं संगत जी। और ये देखिए संगत जी, गुरु जी के मुख में ऊपर से कुछ आया हुआ है, और मुख से ऐसे लकीरें सी बनी हुई हैं जैसे कुछ इनके चेहरे से बाहर निकल रहा होता है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुकराना। खड़ी हुई हैं गुरु महाराज जी, हम सब की ओर से अनंतम 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 शुक्राना। और प्यारे गुरु महाराज जी, आज जो हमारा पुग्गे का व्रत है, जो कि बच्चों की लंबी आयु के लिए रखा जाता है, तो आपके साथ हमने मनाया है अपने वो पल जो हमसे कभी नहीं पूरे होते थे। हम सोए रहते थे, घबराहट होती थी, मन खराब होता था, बेचैनी होती थी, वो पल हमने आज आपके आगे रख दिए हैं और आपका सत्संग किया है। और कौन कहता है संगत जी कि चार आदमियों में संग सत्संग नहीं होता। सत्संग करने के लिए केवल सच का संग चाहिए, और सच के संग में भले ही दो आदमी क्यों ना हो, वो तब भी होता है। अभी हमने गुरुजी बीच में थोड़ी थोड़ी बातें भी की हैं, एक्चुअली थोड़ी नहीं बड़ी कर दी है, तो माफी 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 यही कहूंगी। लेकिन हमें बहुत आनंद आया आज
अपना ये जो त्योहार है आपके साथ सेलिब्रेट करने में, और हमेशा अपने बच्चों और अपनी बेटियों को देना आशीर्वाद, और उनके बच्चे सच्चाई के रास्ते पे चले, खूब लंबी उम्रें हो, पढ़े लिखे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, बेटी हो जा बेटा, दोनों का भविष्य उज्जवल हो। और ये दोनों के लिए व्रत है, केवल हमारे लिए नहीं है। तो आज का हमारा ये जो व्रत का ये जो फुग्गे का त्यौहार है बहुत ही अच्छा ढंग से मना है। हम चारों पांचों सखियों ने गुरु ये जो सत्संग किया है घंटे का, तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, तो लगा लीजिए संग जी हाजरी। जय जय गुरु जी, 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 वंदन 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 गुरु जी, वाह वाह 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 गुरु जी, शुक्राना 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 नंदम शुक्राना। हम सब बहनों की ओर से गुरु जी शुक्राना 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 नंदम शुक्राना। और आपकी बच्चियों के चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहनी चाहिए, उदासी का कोई नामो निशान नहीं हो। आपके सामने खड़े हैं, आपके चरणों में बारंबार एक ही अरदास करते हैं, दुख तकलीफें कष्टों का विनाश हो, सुखी सुख हर जगह से खुशियां ही खुशियां आए दाता। हम आपके बच्चे हैं, जाने जाने कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय आज के आनंद की जय। इसी से अपने अपने व्रत का उद्यापन क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, क्या करना है, क्या करते हैं, दिल्ली वाली कहाँ गई, दिल्ली वाली क्या बोलते हैं शुद्ध भाषा में, खोलना है इसी से अपना व्रत खोलना। जब आप व्रत खोलोगे तो यही जल प्रसाद का सेवन करना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, सिंपल वर्ड्स, जय गुरु जी।